हरि ओम, आप लोगों का माया ग्राफिक्स में फिर से स्वागत करते हुए। आज क्या है, कोरल ड्रॉ में एक ब्लेंड टूल से आप एक लेटर का लोगो डिज़ाइन कैसे क्रिएट कर सकते हैं उसके बारे में बताने जा रहा हूँ। तो उसके लिए क्या, पहले एक इमेज को इंपोर्ट करता हूँ। इधर एम्प्टी स्पेस पर राइट क्लिक करो, आप इम्पोर्ट में आता हूँ। इम्पोर्ट में आके अभी देखो इसको लेता हूँ मैं। अभी एक इमेज है, सो अभी देखो ये बिट मैप है ये। सो इसको मुझे क्या करना है, इस लाइन को मुझे पहले ट्रेस करना है। तो उसके लिए अभी मैं क्या करता हूँ, इधर फ्री हैंड टूल में आओ आप। सो इसमें क्या है, एक बी स्प्लाइन करके टूल है, इसको लेता हूँ। सो इस पोर्शन को थोड़ा जूम करता हूँ, यहाँ पे एक क्लिक करता हूँ मैं। ऐसे क्लिक करते हुए जाना है आपको। बी स्प्लाइन से क्या होता है, लाइन स्मूथ बनता है। एक एक करके ऐसे आप एंड तक ऐसे एडिट कर लेना। सो भी देखो इसी तरह क्या है, इसके ऊपर आपको क्लिक करते हुए ऐसे एडिट कर लेना है। सो इतना होने के बाद एंड में आके इधर क्या है, एक डबल क्लिक करता हूँ। तो देखो अभी ऐसे एक लाइन बन गया। अभी इसको क्या है, डिलीट करता हूँ मैं। डिलीट करने के बाद अभी इसको सिलेक्ट करता हूँ मैं। सिलेक्ट करके अभी शेप टूल लेता हूँ। तो देखो अभी ये नंबर ऑफ पॉइंट्स आपको दिखा रहा है, समझो। इसको और थोड़ा आपको स्मूथ करना है, तो एक बार इसको आप क्या करो, कन्वर्ट टू कर्व करो। कंट्रोल क्यू प्रेस करने से ये कन्वर्ट कर हुआ है। अभी इन सब पॉइंट्स को क्या है, शेप टूल से आपको ऐसे सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद अभी इधर आपको क्या है, इधर स्मूथनेस है, इधर क्या है कर्व स्मूथनेस करके है, इसको क्लिक करके ऐसे ड्रैग करता हूँ। थोड़ा करना है आपको, थोड़ा पॉइंट्स देखो अभी रिड्यूस हो गया। तो अभी देखो ये आपको ये कंप्लीट स्मूथ लग रहा है। सो एक बार इसको क्या है अभी डीसेलेक्ट करता हूँ। अभी देखो इसके लिए क्या है, मुझे ब्लेंड करने के लिए एक डिज़ाइन रेडी करना है। तो उसके लिए कंट्रोल को होल्ड करके ऐसे एक बॉक्स लिया मैंने। अभी इसको आप क्या करो, कंट्रोल को होल्ड करते हुए इस तरफ लेके माउस राइट क्लिक करके लेफ्ट क्लिक छोड़ना है। तो और एक कॉपी बन गया। अभी इसको कंट्रोल आर करता हूँ। अभी इन सबको सेलेक्ट करके ऐसे ऊपर से नीचे लेना है, माउस राइट क्लिक करके लेफ्ट क्लिक छोड़ दो आप। तो और एक कॉपी बन गया। अभी इसको कंट्रोल आर करता हूँ तो देखो ऐसा आ गया। अभी देखो इस स्क्वायर को, इन चारों स्क्वायर को क्या है सेलेक्ट करता हूँ शिफ्ट के साथ, जो अंदर स्क्वायर है इसको भी सिलेक्ट करके। अभी मैं क्या करता हूँ, इसको ब्लैक देता हूँ। और इन सबको भी आपको, जो वाइट है इसको भी सिलेक्ट करके आपको वाइट कलर देना है। अभी इन सबको सेलेक्ट करके जो आउटलाइन है, आउटलाइन को रिमूव करता हूँ। इधर क्रॉस मार्क पे माउस राइट क्लिक करके सेट आउटलाइन कलर बोलना है, तो आउटलाइन ऐसे रिमूव हुआ है। सो अभी इसको कंट्रोल जी करता हूँ, समझो। अभी इसको एक साइज देता हूँ मैं। उससे पहले क्या है, एक 45 डिग्री रोटेट कर लो आप। अभी देखो इसका जो साइज है, इसको 10x10 कर लेता हूँ। सो इतना करने के बाद अभी इसको क्या है, और एक ऐसे कॉपी कर लेता हूँ। इधर माउस राइट क्लिक करके लेफ्ट क्लिक छोड़ देना है। अभी इसको मुझे क्या करना है, ब्लेंड करना है। तो अभी मैं क्या करता हूँ, इधर ब्लेंड टूल लेता हूँ। इधर क्या है, शैडो टूल के अंदर इधर ब्लेंड टूल है, इसको होल्ड करके ऐसे ड्रैग करना है। जैसे ही इधर स्नैप होता है तभी आपको क्लिक छोड़ देना है। तो देखो अभी नंबर ऑफ स्टेप्स आ गया। अभी मुझे क्या करना है, पिक टूल लेना है, लेके इधर क्या है, इसको माउस राइट क्लिक से ऐसे होल्ड करके ड्रैग करता हूँ। अभी देखो माउस राइट क्लिक से होल्ड करके ड्रैग किया मैंने। जैसे ही इस लाइन पे आता हूँ तो ये कर्सर चेंज हो रहा है, तभी आपको क्लिक छोड़ देना है। अभी इधर क्या है, फिट ब्लेंड टू पाथ करके है, इसको क्लिक करता हूँ मैं। तो देखो अभी इस पाथ पे ये फिट हुआ है ऐसे। सो अभी देखो इसको मुझे क्या करना है, एंड टू एंड तक इसको स्प्रेड करना है। तो उसके लिए अभी मैं क्या करता हूँ, इधर मोर ब्लेंड ऑप्शंस करके है, इधर ब्लेंड अलोंग फुल पाथ करना है। सो इसको आप क्लिक करेंगे तो देखो अभी ये सब जगह ऐसे डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। अभी इसमें क्या है, स्टेप्स सिर्फ 5 है, तो आपको इसको इनक्रीज करना है, समझो। अभी मैं क्या करता हूँ, इसको एक 100 देता हूँ। तो देखो अभी ऐसा आ गया। अगर समझो आपको और थोड़ा इंक्रीज करना है, तो आप मैक्सिमम आप 999 दे सकते हैं। अभी के लिए इसको 1000 दिया है मैंने। सो देखो अभी ऐसा आ गया। सो ये आपको 999 दिखा रहा है, लेकिन जैसे आप जूम करते हो तो ऐसे स्टेप्स आपको दिख रहा है। तो अभी मैं क्या करता हूँ, इसका जो साइज़ है थोड़ा इंक्रीज करता हूँ मैं, समझो। अभी ऐसे ड्रैग किया मैंने, ड्रैग करके इसको एक साइज़ क्या करता हूँ, एक 15 देता हूँ। 15x15 दिया है मैंने। सो अभी इसी तरह क्या है, जो बॉटम में है ऐसे इसको बाहर से ऐसे ड्रैग करके सिलेक्ट करो। इसको भी क्या है, 15 देता हूँ, 15x15 दिया है मैंने। सो इतना करने के बाद अभी समझो इसमें मुझे और थोड़ा स्मूथ करना है, तो स्टेप्स को और थोड़ा इंक्रीज करना है बोले, तो पहले आपको इसको क्या करना है, स्प्लिट करना है। तो उसके लिए अभी मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे सेंटर पे कहीं पे भी आप स्टेप के ऊपर क्लिक करो। क्लिक करने के बाद आपको क्या करना है, इधर आना है, ये क्या है, मोर ब्लेंड ऑप्शन में आना है। इधर स्प्लिट करके है, इसको क्लिक करता हूँ मैं। क्लिक करने के बाद देखो अभी ये कर्सर आपको दिख रहा है। सो इसको अभी मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे सेंटर कहाँ पे आपको लगता है वहाँ पे आपको आके इधर क्लिक करना है। तो यहाँ पे क्या है, ये स्प्लिट हुआ है। अभी ये पॉइंट्स आपको दिख रहा है, इधर क्या है, स्प्लिट हुआ है। अभी देखो ब्लेंड टूल लेके
यहाँ पे क्या है, इधर स्टेप पे इधर क्लिक करता हूँ तो देखो अभी ये स्टेप्स क्या है, 492 दिखा रहा है। अगर समझो नहीं दिखा रहा है तो आपको क्या करना है, कंट्रोल को होल्ड करते हुए इस स्टेप्स पे ऐसे सेंटर में कहीं पे भी आपको क्लिक करना है तो ये हाईलाइट हो जाएगा। सो अभी इसको मैं इंक्रीज करता हूँ, समझो अभी इसको भी 1000 बोलता हूँ या 999 बोलो आप, 999 रखता हूँ। सो देखो अभी ये क्या है, ऐसे और थोड़ा स्मूथ बन गया। अभी इसी तरह क्या है, इस पोर्शन में आता हूँ, अभी देखो यहाँ पे क्लिक करता हूँ मैं, क्लिक करने से देखो ये दिखा रहा है, अगर नहीं दिखा रहा है तो कंट्रोल को होल्ड करते हुए आपको क्लिक करना है। सो अभी इसको भी 999 कर लेता हूँ, अभी इसको एंटर दिया मैंने तो देखो अभी ऐसे स्टेप्स क्या है इंक्रीज हो गया, उसकी वजह से ये स्मूथ भी आपको लग रहा है। सो अभी देखो ये ट्विस्टेड है, अगर समझो इसका एंगल आपको चेंज करना है तो अभी देखो इस पोर्शन को सिलेक्ट करता हूँ, सिलेक्ट करके इसको शिफ्ट पेज डाउन करो आप तो ये नीचे की तरफ आ गया, इसको ऊपर नीचे कर सकते हैं आप। अभी इसको सिलेक्ट करके शिफ्ट पेज अप करता हूँ तो ये ऊपर की तरफ आ गया। सो इस तरह क्या है, आप ब्लेंड टूल से एक कैरेक्टर का डिज़ाइन आप रेडी कर सकते हैं। अगर ये करते वक्त आपको कुछ डाउट्स वगैरह है तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आप लोगों का धन्यवाद।